कि ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, जो देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे होता है वैसे बन के रह गई। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। और हमको दुख इस बात का है कि जितने लोग भी जांच एजेंसी में हैं, आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है, क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पर इतना ज़्यादा है कि न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती है। जांच केवल विपक्ष की होती है, हमको जांच से कोई डर नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम याद दिलाना चाहेंगे उन जांच एजेंसियों को कि विजय माल्या कहाँ है भैया, कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है मेहुल चौकसी और ललित मोदी जी से तो अब सुष्मिता सेन मिल लेती है। और हाल में ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि सुष्मिता सेन उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए जो देश के अरबों खरबों पैसा जो डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में जो बैंक में जमा किया लोगों ने, उसको लेकर के जो लोग भागे, लोन लेकर के जो भागे, यानी बैंक जिससे नुकसान में आ गई, घाटे में आ गई, कई बैंकें बंद हो गई, आज उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। ढूंढा किसको जाता है तो कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, चाहे ठाकरे जी के लोग हों, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों, इन लोगों का देखो भैया दो तरीका है। जो भाजपा की जो सोच है, जो भाजपा की यही सोच है इस रूप में काम करती है, जो बिकेगा उसको खरीदो, ये पहली सोच। दूसरा सोच कि जो डरेगा उसको डराओ, यही दो सोच से भाजपा काम कर रही है। और अफसोस है, तरस है, आता है हमको उस जांच एजेंसियों पे कि आज एक गुलाम के रूप में लोग काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जो जांच अधिकारी इन सारी चीज़ों में लिप्त हैं, जो विपक्षी नेताओं के यहाँ झूठा मुकदमा करके फंसाने का काम करते हैं, उनका प्रमोशन तुरंत हो जाता है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जो जो आरोप कहीं भी रहा हो उसका प्रमोशन तात्कालीन हुआ है, उसको इनाम मिला है। चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जो लोग कहते थे कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार मिटेगा, आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, आज उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है और आतंकवादी घटनाएं बिहार जैसी धरती पर जो है लोग पकड़ा रहे, जांच में नाम में शामिल, जांचों में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से जो लोग दावा करते थे, आप बताओ 25-25 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इनका झूठा वादा था कि नहीं था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। ये बीजेपी के लोग देश को नहीं चला रहे, ये देश को आगे नहीं बढ़ा रहे, ये आरएसएस के एजेंडे पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं।